हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सेटिंग के बारे में बताऊंगी, जहां से इस सेटिंग को अगर आप इनेबल कर लोगे तो आप जो यूट्यूब वीडियोज बनाते हो उन यूट्यूब वीडियोज के चैनल का जो लोगो होता है वो लोगो ऑटोमेटिक से लग जाएगा। आपको कहीं से कुछ नहीं करना होगा, ना ही एडिटर से एडिट करके लोगो लगाना होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिक से ही लोगो आपके वीडियो में लग जाएगा। एक छोटा सा सेटिंग आपको करना है जिसे YouTube का ब्रांडिंग कहते हैं। ज़्यादातर YouTube क्रिएटर इस टाइप का लोगो लगाते हैं। आप मेरी भी वीडियो देखोगे फुल स्क्रीन पर रोटेट करके तो मेरी हर एक वीडियो में मोबाइल के कोने में ब्रांडिंग यानी मेरा लोगो दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि इस ब्रांडिंग लोगो के लिए आपको कैसे सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस पर सर्च करना है, इसमें यूट्यूब खोलना है। पहले इसे डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में मेरा है। डेस्कटॉप साइट में करने के लिए इस थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस पर सर्च करना है, इसमें यूट्यूब खोलना है। तो इसके लिए m.youtube.com सर्च करना है। हो गया सर्च, तो आपके क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब खुल जाएगा इसे सर्च करने के बाद। इसे सर्च करने के बाद देखिए राइट साइड में कोने में जो जीमेल का लोगो है वो दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। थोड़ा जूम कर दे रही हूँ मैं। देखिए जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यूट्यूब स्टूडियो जो ऑप्शन है तीसरा नंबर पर है, यूट्यूब स्टूडियो, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब का जो स्टूडियो होता है वो आपके मोबाइल में खुल जाएगा। ऐसे भी आप यूट्यूब स्टूडियो में जा सकते हैं, नहीं तो एक ऑप्शन ये भी है, आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है एसटीयू। इतना ही लिखने के बाद देखिए नीचे जो दिख रहा है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप आसानी से यूट्यूब का जो स्टूडियो होता है वो अपने मोबाइल में खोल सकते हैं। देखिए यूट्यूब का स्टूडियो मेरे मोबाइल में खुल गया। इसे ओपन करने के बाद थोड़ा जूम कर दे रही हूँ मैं। देखिए लेफ्ट साइड में ये जो जितना ऑप्शन दिख रहा है इसी में नीचे देखिए ये जो सबसे नीचे से जो सेकंड नंबर पर है ऑप्शन कस्टमाइजेशन का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में तीन ऑप्शन खुलेगा, लेआउट, दूसरा है ब्रांडिंग और तीसरा है बेसिक इन्फो। तो हमें ब्रांडिंग वाला जो अब सेकंड ऑप्शन है इसी पर जाना है क्योंकि हमें ब्रांडिंग लोगो लगाना है। तो ब्रांडिंग पर मैं क्लिक कर दे रही हूँ। ब्रांडिंग पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन खुलेगा। पहला है पिक्चर, यहाँ से आप जो चैनल का जो लोगो होता है वहाँ वो लगता है पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाने पर। और दूसरा है बैनर इमेज, जो चैनल का जो बैनर होता है वो यहाँ से लगता है। और तीसरा है वीडियो वाटरमार्क, वाटरमार्क यानी ब्रांडिंग लोगो। तो तीसरा जो ऑप्शन है इसी पर हमें जाना है ब्रांडिंग लोगो लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अपलोड का जो ऑप्शन दिखा रहा है तो इसी पर क्लिक करना है। अपलोड पर मैं क्लिक कर दे रही हूँ। क्लिक करने के बाद कैमरा और ब्राउज जो ऑप्शन है तो यहाँ से आपको अपना चैनल का जो फ़ोटो है वो चूज करना है। तो मैं ब्राउज पर जा रही हूँ और यहाँ से मैं अपना जो इमेज है वो ले रही हूँ। हो गया, हो गया ये। और उसके बाद फिर इसे देखिए नीचे डाउन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। देखिए ये लग गया। अब इसके बाद करना ये है कि देखिए इसमें तीन ऑप्शन दिखा रहे हैं, डिस्प्ले टाइम के नीचे, एंड ऑफ वीडियो, एंड ऑफ वीडियो यानी वीडियो जब आपका समाप्त होगा तब ये लोगो आपके मोबाइल में दिखेगा।
मैंने समाप्त होने के थोड़ा देर पहले मतलब समाप्त के टाइम है, और दूसरा जो ऑप्शन है कस्टम स्टार्ट टाइम, यानी जब आपका जो वीडियो स्टार्ट होगा उस टाइम ये लोगो दिखेगा, और तीसरा है इंटायर वीडियो, इंटायर वीडियो यानी संपूर्ण वीडियो में आपका ये लोगो दिखेगा। तो हमें यही मैं आपको कहूँगी कि यही अच्छा है इंटायर वीडियो, ताकि आपके सारे पूरे वीडियो में संपूर्ण वीडियो में ये लोगो दिखे। तो तीसरा जो ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक कर दे रही हूँ, यही अच्छा है इंटायर वीडियो, उसके बाद हो गया। इसके बाद आपको पब्लिक पर क्लिक कर देना है। ये सेव हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये आप देखेंगे, आप भी ऐसा करेंगे ऐसे सेटिंग तो आपके भी मोबाइल में ये सेटिंग हो जाएगा। और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो में ये सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ एक बार कर देना है और आपके हर एक वीडियो में ये सेटिंग आराम से हो जाएगा, आपके हर एक वीडियो में ये दिखाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।